हेलो दोस्तों, फ्लिक्की के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप सिंसिनवार, अपन बातें कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में आज अपना एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है दोस्तों 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्या थी, उन तथ्यों पर अपन को आज चर्चा करनी है। बड़ा अच्छा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये टॉपिक है अपना। और हम 1857 की क्रांति में देख रहे थे कि 1857 की क्रांति का क्या सिस्टम था। मैं आपको बता रहा था कि 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, रीजन क्या था 1857 की क्रांति का। 1857 जैसा विद्रोह या 1857 जैसा रिवोल्ट हुआ ही क्यों था, कोई तो रीजन रहा होगा ना 1857 की क्रांति का। ऐसे थोड़ी हो जाता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1 ईयर का, 1 साल, सॉरी 100 साल का, 100 ईयर की दबी हुई आग थी। 1857 की क्रांति एक, मतलब मैं कह सकता हूं कि किए गए अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों और जुल्मों का प्रतिशोध के लिए उठी हुई अग्नि थी, ज्वाला थी। अंग्रेजों ने भयंकर तरीके से परेशान कर दिया था लोगों को। 1757 के प्लासी युद्ध से लेकर 1857 के मध्य घटी हुई घटनाओं का मैं कह सकता हूं कि उस बारूद को चिंगारी मिल चुकी थी जो 100 सालों से दबी हुई थी। 1857 की क्रांति का कोई एक कारण नहीं था। जो आप तात्कालिक कारण पढ़ते हो वो तात्कालिक कारण भाई साहब बंदूकें, कारतूस, वो तात्कालिक कारण जरूर थे, लेकिन रियल कारण यही थोड़ी थे। इससे पहले भी 100 साल तक लोग सन्यासियों तक, विद्रोह सन्यासियों तक कर लगा रहे हैं, कर वसूल रहे हैं सन्यासियों से। सन्यासी कर देने लायक होते हैं क्या, लेकिन लिया जा रहा है कर। अरे जिनके खुद का ही सिस्टम नहीं है, सन्यासी क्यों बने थे वो, इस माया मोह से बचने के लिए कहां से पैसे लाए। विद्रोह तो बनते थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न्यायालय की स्थापना कर दी। हम पंचायतों वाले आदमी न्यायालयों को क्या जानते हैं, लेकिन न्यायालयों की स्थापना की गई हमारे लिए। एलिजा एम्प्रे को लाया गया है। अब हमारी चीजों के फैसले न्यायालयों में होते हैं, वकील डिबेट करते हैं उन पर। ऐसी चीजें हमारी हमारे लिए विसंगति हो गई थी, हमारी समझ से बाहर थी। लोगों को कब फांसी दे दी जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो इन चीजों का किया क्या जाए। तो विद्रोह तो बनता ही था जब लोगों पर इतने अत्याचार होंगे, इतने जुर्म होंगे, इतने उनके खिलाफ कभी कोई कर ले लिया जाएगा, कभी कुछ ले लिया जाएगा, वहां के राजाओं को गद्दी से हटा दिया जाएगा, तो विद्रोह तो बनता था। और हद तो तब हो गई जब 1813 में, जब 1813 में चार्टर एक्ट आया। और चार्टर एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति दी किस बेस पे थी भाई, अपन ने देखा था दी किस बेस पे थी। मैंने कुछ ऐसे लिखाए थे आपको, ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली, अर्थात अब ईसाई लोग मोटिवेट कर रहे हैं भारत के युवाओं को कि आप ईसाई धर्म अपनाओ और मजे करो। अर्थात जो सुविधाएं हमको है वो सब सुविधाएं आपको भी दी जाएंगी अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हो तो। अब तो लोगों में और युवाओं में ईसाई बनने की होड़ लगने लग गई।
जब ईसाई बनने की होड़ लगने लग गई या ईसाई बनने लग गए तो मामला फिर फेल होने लगा, मामला बिगड़ने लगा। अब मामला कैसे बिगड़ने लगा कि दोस्तों अब लोग हिंदू रिलीजन के स्थान पर लड़के जो युवा थे वो सोच रहे ईसाई बन जाए तो फायदा है। तो दोस्तों हमारा जो आम नागरिक था, हमारा जो समाज था, वो इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। हमारा समाज चाहता ही नहीं था कि हम इस चीज को बर्दाश्त करें। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो समाज था, वो विरोध में उतरने लगा। अब तो ये लोग हमारी धार्मिक नीतियों में भी क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लग गए हैं। ऐसे में दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, 1803 में सहायक संधि की क्या हुई, शुरुआत हुई राजस्थान में। और दोस्तों पहली सहायक संधि भरतपुर रियासत ने की, पहली सहायक संधि भरतपुर रियासत ने की है 29 सितंबर 1803 को, रणजीत सिंह शासक थे भरतपुर के। दूसरी अलवर ने की है 14 नवंबर 1803 को, बख्तावर सिंह शासक थे। अब धौलपुर ने की है, जयपुर ने की है, जोधपुर ने की है, सिरोही ने की है, लेकिन इनमें शासकों का दबदबा ज्यादा था और अंग्रेजों को ये बात पची नहीं कि शासकों का दबदबा है तो अपनी वैल्यू क्या है, जब शासकों का दबदबा है तो अपनी वैल्यू क्या है। इसीलिए उन्होंने इस संधि को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और आश्रय पार्थक्य की नीति लेकर आए। अब नई नीति लेकर आए और दोस्तों याद रखना, नई नीति के तहत वापस से कुछ संधियां हुई, ये संधियां तो समाप्त कर दी गई, फिर ये संधियां हुई। अब दोस्तों संधियां होनी थी, सबसे पहले करौली रियासत ने संधि की 15 नवंबर 1817 को, हरवक्षपाल सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। दूसरी टोंक में हुई 17 नवंबर 1817 को नवाब अमीर खान के। तीसरी कोटा में हुई 26 दिसंबर 1817 को महाराज उम्मेद सिंह ने के। चौथी जोधपुर ने की है 6 जनवरी 1818 को तख्त सिंह ने के। इसके अलावा भी बता दूं आपको, मेवाड़ ने की है 22 जनवरी 1818 को। इसमें से दोस्तों एक नाम कट करना है आपको, स्वरूप सिंह का, यहां पर शासक होता है भीम सिंह, यहां पर शासक कौन होता है, भीम सिंह, यहां पर शासक होता है भीम सिंह मेवाड़ का। स्वरूप सिंह तो 1857 की क्रांति के समय रहेगा, जबकि अंग्रेजों से संधि किसने की थी, भीम सिंह ने। ये वही भीम सिंह है जिसकी पुत्री कृष्णा कुमारी थी और कृष्णा कुमारी को लेकर राजपूत आने में बड़ा जबरदस्त संघर्ष चला था, गिंगोली का युद्ध भी हुआ था। बूंदी 10 फरवरी 1818 को इसके शासक थे राव विष्णु सिंह ने, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। इसके अलावा बीकानेर 21 मार्च 1818 को सूरत सिंह ने संधि कर ली। बीकानेर 21 मार्च 1818 सूरत सिंह ने संधि कर ली। जयपुर 2 अप्रैल 1818 जगत सिंह ने संधि कर ली। किशनगढ़ 7 अप्रैल 1818 कल्याण सिंह ने संधि कर ली। डूंगरपुर ने 11 दिसंबर 1818 को संधि कर ली है। जैसलमेर 2 जनवरी 1819 को मूलराज द्वितीय ने संधि कर ली। सिरोही 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह ने संधि कर ली। शिव सिंह और सिरोही रियासत सबसे एंड में संधि करने वाले राजस्थान के
रियासत और शासक बने। वैसे तो सबसे एंड में झालावाड़ करेगी, लेकिन अभी झालावाड़ बनी नहीं है, इसीलिए सबसे एंड में किसने की है, सिरोही ने। झालावाड़ 1837 में बनेगी और 38 में ही संधि होगी इसकी। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में। अपन 1857 के कारण पढ़ रहे थे और 1857 के कारणों में नई बातें और करते हैं। दोस्तों 1829 में, 1829 ईस्वी में सती प्रथा अधिनियम आया। सती प्रथा अधिनियम आया और ये अधिनियम कौन लाया? विलियम बेंटिक लाया। किसने लगाया? विलियम बेंटिक ने। और सती प्रथा अधिनियम किसके प्रयासों से बना? राजा राम मोहन राय। अब आपके आप सोच रहे होंगे, ये तो बड़ा अच्छा नियम था भाई, ये तो बड़ा अच्छा नियम है कि सती प्रथा अधिनियम बनाया गया है, बच्चे बेचारे अनाथ रह जाते हैं, अगर बाप मर जाए तो माँ भी सती हो जाती थी, बड़ा अच्छा नियम है। आज का युवा, आज की पीढ़ी ये सोच सकती है कि ये अच्छा नियम है। हम उस टाइम की बातें कर रहे हैं जब सती प्रथा का बड़ा अच्छा प्रचलन था, तो वहां के लोगों को ये समझ से बाहर था कि सती महिलाएं खुद स्वीकृति से सती होती थी, कहीं कहीं कर दिया जाता था, कुप्रथा भी बन गई थी कहीं कहीं। तो सबसे बड़ा विडंबना तो यही था कि सती प्रथा कुप्रथा बन गई थी, ये समझदार लोग जानते थे, लेकिन उस समय का समाज ये बात नहीं जानता था कि सती प्रथा कुप्रथा है। उनके तो दिल पर चोट लगने लगी कि यार ऐसे कैसे हमारी महिलाएं सती होंगी, तो होंगी ये कौन होते? पहले तो हमारी धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करने लगे, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाने लगे, उनको मोटिवेट करने लगे, अब ये हमारी सामाजिक नीतियों में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, लोग भड़कने लगे। जबकि आज की जनता ये बात जानती है, नीति अच्छी थी, लेकिन उस समय का समाज इससे परिचित नहीं था। उस समय का समाज तो कहता था हमारी महिलाएं तो सती होती है बिना पति के। तो उस समय के लिए ये भी एक विद्रोह का क्या बना? कारण बना, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्थाएं अलग थी। अठारह सौ अड़तालीस की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस नीति, राज्य विलय की नीति, विलय नीति, हड़प नीति, या गोद प्रथा निषेध अधिनियम। गोद प्रथा निषेध अधिनियम और ये किसने चलाई? इसका प्रारंभ किया लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने।
1848 ईस्वी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस नीति, राज्य विलय की नीति, हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध अधिनियम प्रारंभ किया लॉर्ड डलहौजी ने, प्रारंभ किया लॉर्ड डलहौजी ने। 1829 ईस्वी के सती प्रथा अधिनियम विलियम बेंटिंक ने, प्रयास राजा राम मोहन राय ने। 1848 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस नीति, राज्य विलय की नीति, हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध अधिनियम प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी ने, था क्या ये? इसने कहा कि कोई भी शासक अपने लिए कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता, ये निषेध है। अगर किसी के कोई संतान नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, उसका शासन उसकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाएगा। जबरदस्ती कर रहा है, हड़प नीति भी तो कह रहे हैं इसको। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शासन करने योग्य नहीं दिखा तो उस पर कुशासन का आरोप लगाकर भी ये लोग क्या कर लेते थे, राज्य को हड़प लेते थे। पूर्णतया हड़प नीति थी। इसके तहत झांसी, सतारा, बुंदेलखंड आदि को अपने अधिकार में कर लिया था किन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन हमको झांसी, सतारा और बुंदेलखंड से मतलब ही नहीं है भाई, इसके तहत ही तो कर रहा है वो। हमें तो मतलब ये राजस्थान में किस पर प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, इस नीति के तहत राजस्थान के ब्यावर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। इस नीति के तहत राजस्थान के ब्यावर को ब्यावर को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में ले लिया गया। इस नीति के तहत राजस्थान के ब्यावर को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में ले लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ले लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ले लिया गया। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा अधिनियम विलियम बेंटिंक ने, प्रयास राजा राममोहन राय के थे। 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस नीति, राज्य विलय की नीति, हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध अधिनियम प्रारंभ डलहौजी ने किया। इस नीति के तहत राजस्थान के ब्यावर को मिला लिया गया। इसके अलावा झांसी, सतारा, बुंदेलखंड, बहुत सारी जगहों को और भी मिलाया था। तो लोग तो जाहिर सी बात है विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी कर ले विरोध तो होगा। विरोध क्यों होगा? क्योंकि कोई अपना शासन, कोई अपना राजा परिवर्तित नहीं करना चाहता। हमारी जनता उस समय राजतांत्रिक थी, या मैं कहूं कि राजा वंशानुगत भी बनता था। तो दोस्तों, जनता चाहती है कि अंग्रेजों से अच्छा तो महाराज के साथ ही है। लोग विरोध करने लगे और जो उस राजा के परिवार वाले थे वो भी काय में खड़े हो गए, विरोध में खड़े हो गए। तो विरोध तो होना था, क्रांति निर्मित हो रही है। इसके बाद जैसे ही बढ़ने लगे, कुछ चीजें अच्छी भी थी, जैसे 1856 में विधवा पुनर्विवाह नियम बनाया गया। और ये किसने बनाया? डलहौजी के स्थान पर नियुक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, अठारह सौ छप्पन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया।
लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों याद रखना, यह अधिनियम किसके प्रयासों से लगा या किससे किसके प्रयासों से बनाया गया? तो यह अधिनियम ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, यह अधिनियम ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से, यह अधिनियम ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से कर लिया गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से कर लिया गया, लॉर्ड कैनिंग ने किया है, उस समय की जनता ये नहीं सोच पा रही थी कि हो क्या रहा है। हमारे समाज में कुरीतियां बहुत थी, कुप्रथाएं बहुत थी, प्रथाएं छोड़ो कुप्रथाएं बहुत थी। विधवाओं को किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाता था, विधवाओं को शुभ कार्य में सम्मिलित होने लायक नहीं समझा जाता था, विधवाओं को छूट नहीं दी जाती थी, सामाजिक छूट, बहुत सारी विडंबनाएं थी। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से ये नियम लाया गया, ये नियम बनाया गया कि विधवाओं को भी सामाजिक कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि विधवाएं भी दोबारा क्या कर लेंगी, शादी कर लेंगी, तो उनका भी परिवार या पति दोबारा आ जाएगा, दोबारा बच जाएगा, उनको अपनी जिंदगी जीने का क्या है, अधिकार है। क्योंकि प्राचीन समय में विधवाओं के साथ अजीबोगरीब व्यवहार किए जाते थे, उनको काले कपड़े पहनाए जाते थे, जमीन पर सुलाया जाता था, सिर मुंडवा दिए जाते थे, तो बहुत सारी प्रताड़नाएं होती थी। लेकिन उस समय का समाज था ही ऐसा, तो उस समय के लोगों को कतई ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि विधवाएं भी क्या करेंगी, दोबारा शादी करेंगी, रीमैरिज करेंगी। अगर वर्तमान नजरिए से अपन देखें तो ये बड़ा अच्छा नियम है भाई, वर्तमान नजरिए से देखूं तो ये बड़ा अच्छा नियम है। लेकिन उस समय के तात्कालिक समाज की सोच के अकॉर्डिंग देखें तो ये नियम नहीं सेट होता। लोग जाहिर सी बात है विरोध करेंगे कि विधवा भी क्या कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, तो लोगों में गुस्सा फूटने लगा कि हमारी हर नीति हर कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं कौन, अंग्रेज। लोग भयंकर भड़कने लगे। इतने में 1857 में बैरकपुर में कांड हो गया। पहले एक बंदूक प्रयोग की जाती थी जिसका नाम था ब्राउन वेस, ये था 1857 का तात्कालिक कारण। ये था 1857 का तात्कालिक कारण। बैरकपुर छावनी की बातें हैं, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी की बातें हैं। बैरकपुर छावनी में हुआ क्या था कि यहां का एक सिपाही हुआ करता था मंगल पांडे, और कहां पर पड़ती है, पश्चिमी बंगाल में। एक सैनिक हुआ करता था जिसका नाम था मंगल पांडे, नाम क्या था, मंगल पांडे। लो सर,
एक सैनिक है बैरकपुर छावनी का, मंगल पांडे। कौन है दोस्तों? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विरोध किया, विरोध किया एनफील्ड राइफल के प्रयोग का। प्रयोग का क्यों किया? क्योंकि इसमें गाय व सुअर की चर्बी युक्त, गाय व सुअर की चर्बी युक्त, गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता। कारतूसों का प्रयोग किया जाता, कारतूसों का प्रयोग करते, क्योंकि कारतूस एक कवर पर आता था, उस कवर को दांतों से मुंह से पकड़ के फाड़ना पड़ता था जब कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उसको हटाना पड़ता था ऊपर से दांतों से मुंह से। हिंदू था, पंडित था मंगल पांडे, तो जाहिर सी बात है उसका प्रयोग नहीं करेगा। उसने विरोध कर दिया कि साहब कतई हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जबरदस्त तरीके से विरोध किया। दोस्तों एनफील्ड राइफल का प्रयोग अभी होने लगा है, जबकि एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग हुआ करता था। इसका प्रयोग हुआ करता था, ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग हुआ करता था। मैं नोट लगा रहा हूं, एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किया जाता था क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था ब्राउन बेस बंदूक का। एनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्राउन बेस बंदूक का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। चलो बहुत अच्छी बात है, ब्राउन बेस का प्रयोग करते थे। वापस आ जाते हैं। तात्कालिक कारण, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, सैनिक मंगल पांडे। मंगल पांडे ने स्टार्टिंग में विरोध किया एनफील्ड राइफल का। एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था। जिन कारतूसों को चलाने के लिए गाय व सुअर की चर्बी को मुंह से हटाना पड़ता था, तब राइफल में डालते थे। एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था। मैं मंगल पांडे की बातें कर रहा हूं। मंगल पांडे ने विरोध कर दिया। मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। लो साहब, मंगल पांडे ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब मंगल पांडे ने विरोध कर दिया, इधर देखिए आप, ये देखिए, मंगल पांडे ने विरोध किया और मंगल पांडे ने इस विरोध में गोली मारी। दो अंग्रेज अधिकारियों को जिनका नाम था वाघ और ह्यूसन को, ह्यूसन को, बाघ और ह्यूसन को, किसको गोली मारी दोस्तों? बाघ और ह्यूसन को। और बाघ और ह्यूसन को गोली कब मारी? 29 मार्च 1857 को। कब? 29 मार्च
57 को, ये दोनों शहीद हो गए, बाघ और ह्यूसन। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, मंगल पांडे को फांसी लगी 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने विरोध में गोली मारी बंदूकों के, एनफील्ड राइफल के विरोध में गोली मारी बाघ और ह्यूसन को, क्योंकि कहते हैं परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जब विरोध किया तो मंगल पांडे पर दबाव बनाया गया, अभी चला सबके सामने इसको, तो उसने क्या किया, इन पे गोली चला दी, फांसी लगी इसको 8 अप्रैल 1857 को। फांसी की सजा किसने सुनाई, फांसी की सजा सुनाई भाई, फांसी की सजा किसने सुनाई, तो फांसी की सजा सुनाई है रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट हुक नामक न्यायाधीश ने, भाई रॉबर्ट हुक नामक न्यायाधीश ने इसको फांसी की सजा सुनाई, किसको, मंगल पांडे को। रॉबर्ट हुक ने फांसी की सजा सुना दी। यह है भारत का 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद था। और ये तात्कालिक कारण इसलिए बन गया, अब सैनिक विरोध में आ जाएंगे किसके में भाई, अब सैनिक विरोध में आ गए किसके में, अंग्रेजों के में। जब सैनिक विरोध में आ गए तो विद्रोह बनता ही था, क्योंकि सैनिक तो पूरी तरह से एक्सपर्ट है, गोली चलाने में, राइफल चलाने में सब में एक्सपर्ट है, तो विद्रोह तो जोरदार होना ही था। अब सैनिक पूर्णतः विरोध में, तो सैनिकों ने प्लानिंग कर ली दोस्तों। अब प्लानिंग क्या कर ली, युद्ध करने की या फिर क्रांति करने की, तो यहां पर भाई फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। ये देखो ये गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे हुए या एकत्रित हुए सैनिक, और सैनिकों ने आम जनता के साथ मिलकर, कुछ आदमी थे कुछ नेता लोग थे, आम जनता के साथ मिलकर विद्रोह की प्लानिंग की। क्रांति का प्रतीक किसको बनाया, कमल रोटी कह दो या कमल चपाती कह दो, एक ही बात है, कोई अंतर वाली बात नहीं है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चाहे तो कमल रोटी कह दो, चाहे कमल चपाती कह दो, पूछा जाता है। विद्रोह की तारीख तय की कि हम संपूर्ण भारत में उसी दिन विद्रोह करेंगे। विद्रोह की तारीख तय की, तय की। May 31, 1857 कि इस तारीख को संपूर्ण भारत में एक साथ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। जन जन को कमल और रोटी बांटी जा रही थी, उनको बताया जा रहा था कमल और रोटी बांटकर कि विद्रोह के लिए सजग हो जाओ, विद्रोह होगा, अंग्रेजों को खदेड़ कर छोड़ेंगे,
लोगों को बताया जा रहा था तारीख कितनी थी, 31 मई 1857। दोस्तों एक क्वेश्चन और, यहां मंगल पांडे किस कंपनी से था उसको लिख लेना, मंगल पांडे की कंपनी कौन सी थी। 34NI नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री 34NI मतलब नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। यहां देखें 1857 की क्रांति का प्रतीक, 1857 की, 57 की क्रांति का प्रतीक, 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल रोटी, कमल और रोटी। विद्रोह की तारीख तय की गई 31 मई 1857। विद्रोह की तारीख कब तय की गई है, 31 मई 1857 को, ठीक है, विद्रोह की तारीख तय कर ली 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल रोटी, विद्रोह की तारीख तय की गई 31 मई 1857। ओके बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन यहां पर एक लफड़ा हो गया दोस्तों, कुछ चीजें और लिख लो यहीं पर नोट लगाकर। अठारह सो सत्तावन की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। आगे अपन बातें कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं दोस्तों। दिक्कत ये हुई मेरठ छावनी की बातें, मेरठ छावनी की बातें, मेरठ छावनी में क्या हो गया, विद्रोह। और ये विद्रोह कब हो गया, 10 मई 1857 को संडे के दिन। अब यही तो लफड़ा हो गया, विद्रोह होना तो कब था, तारीख कब तय थी, लेकिन जल्दबाजी कर गए कौन, मेरठ छावनी के सैनिक, क्योंकि विद्रोह की तारीख हमने कुछ और तय की थी। अगर हमारी, हमारा विद्रोह किसी दिन कहीं हो गया, किसी दिन कहीं हो गया, कुछ दिन बाद कहीं हो गया, तो दोस्तों उससे संभल जाएंगे कौन, अंग्रेज। अगर एक साथ विद्रोह होता तो अंग्रेज उससे संभल नहीं पाते। और हमारे 1857 के क्रांति के विफल होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि 1857 की क्रांति विफल हुई। उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि संगठित विद्रोह ना होना, संगठित विद्रोह ना होना, टूट फूट में विद्रोह हुआ। एक दिन इधर हो गया, एक दिन उधर हो गया, एक दिन उधर हो गया, एक दिन इधर हो गया, तो टूट फूट में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। जब टूट फूट में विद्रोह हुआ तो मामला वैसे ही नहीं बनना था, अब नहीं बनना था तो बिगड़ गया। तो टूट फूट में क्या हो गया दोस्तों, विद्रोह हो गया। अब टूट फूट में विद्रोह हुआ इसीलिए उसको दबा दिया गया, विद्रोह किया। और यहां के मेरठ छावनी के सैनिक कहां पहुंचे, सैनिक पहुंचे कहां, दिल्ली। सैनिक कहां पहुंच गए दोस्तों, दिल्ली पहुंचे। और आपको पता है दिल्ली कहां पहुंचे, लाल किले में पहुंचे। और दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में ये बातें किसकी कर रहे हैं, पर लाल किले की,
और यहाँ पर लाल किले का शासक कौन है? केवल लाल किले का ही शासक बचा है, वो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाम का बादशाह बचा है अभी। बादशाहों वाली पावर नहीं बची है, अंग्रेजों ने सब कुछ ले लिया है इससे, सिर्फ लाल किला बचा है। लेकिन सभी के सभी लोग सैनिक वहां इकट्ठे हुए और मुगल बादशाहों का रुतबा तो पहले राही था, तो जाकर बोले कि महाराज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम सब आपके अंडर में काम करना चाहते हैं और आज देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की सख्त आवश्यकता है, देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की सख्त आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें। बहादुर साहब बोला यार मेरे तो बस की बात नहीं है, वो एज इतनी हो रही है, काय को यार वैसे बुढ़ापा चैन से कट रहा है, काय को लफड़ा पड़ो। इसके सैनिक भक्त सिंह ने समझाया इसको, दादा क्या कर रहा है, बड़ी मुश्किल से तो तुमको इतना ऑनर इतनी इज्जत मिल रही है, सब कुछ खो चुके हो तुम लोग, तेरी तो वैसे ही एज हो गई, अगर सक्सेस हो गया तो तेरे बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। मोटिवेट किया बहादुर शाह जफर को और बहादुर शाह जफर ने हाँ कह दिया नेतृत्व करने के लिए। किसका? 1857 की क्रांति का। किसका? 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का एक बात याद रखना, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा है कौन? बहादुर शाह जफर। कौन कर रहा है? बहादुर शाह जफर। विडंबनाएं बहुत है, क्वेश्चन बार बार आता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। भाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। अब बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व तो कर लिया है और दिल्ली का उस समय अंग्रेज अधिकारी था हडसन। कौन था? हडसन। हडसन आया और हडसन ने इसको विद्रोह को दबा दिया गया, बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून म्यांमार भेज दिया गया, वहीं पर इनकी मौत हो जाती है। तो सीधे सीधे लिखा देता हूं, दिल्ली का अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी हडसन था। एक बात याद रखना, बहादुर शाह को पहले तो हुमायूं के मकबरे में बंदी बनाया गया। हडसन को पहले तो हुमायूं के मकबरे में बंदी बनाया गया, फिर बहादुर शाह को रंगून भेजा गया और रंगून में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और यहीं पर इनकी क्या है? समाधि भी है। एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है, ए जफर तू कितना बदनसीब है, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। मरने से पहले लिखते थे कि ए जफर तू कितना बदनसीब है, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। मतलब कि तू इतना बदनसीब व्यक्ति है, पूरा बुढ़ापा तो वहां तक निकाला है लेकिन मर रहा है तू, तेरे लिए अब देश में, तेरे प्यार के देश में, कुए यार मतलब प्रेम के देश में 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही तुझे। यही कहता था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। बड़ा अच्छा शायर था, उच्च कोटि का शायर था ये। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में।
अपनी मैडम का इंतजार कर रहा है, आजादी का, रिहाई का इंतजार कर रहा है, और इंतजार करते करते मर रहा है। दिन हुए शाम ढली, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। लोगों को बोल रहा है अब इच्छाएं मर चुकी हैं, दिन ढले, दिन गुजरे, शाम ढली, अब तो जेल में ही सोएंगे, अब कोई चारा नहीं है अपने पास। ऐसे बोल रहा है कौन? बहादुर सा टेंशन में आ चुका है, कुछ नहीं चाहिए अब इसको, बस शांति चाहिए, यहाँ ये मर जाता है। तो याद रखना 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व किसने किया? बहादुर सा जफर ने। नेतृत्व करता कौन रहा? बहादुर सा जफर। राजस्थान के लिए अलग से नेतृत्व करता नहीं आएगा। अब देखो धीरे धीरे राजस्थान में एंट्री मारेंगे। आप जानते हो कि लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना होगा, काकी रानी थी वो, लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी। लक्ष्मीबाई की मुलाकात किससे हो गई? तात्या टोपे से। तात्या टोपे कोई राजा राजा नहीं था, ना राजकुमार था, एक क्रांतिकारी था जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। उसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है, झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई। मुलाकात तात्या टोपे से हुई रामचंद्र पांडुरंग से। कैसे हुई? तात्या टोपे से यानी रामचंद्र पांडुरंग से। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था क्या? रामचंद्र पांडुरंग। आपको बता दूं इन दोनों की मुलाकात कहां पर हुई है? ग्वालियर में। कहां पर हुई है? ग्वालियर में। इन दोनों को आर्थिक सहायता की है किसने? आर्थिक सहायता दी है इन दोनों को आर्थिक सहायता दी है एक व्यक्ति ने। इस व्यक्ति का नाम है भाई अमरचंद बाठिया। उस व्यक्ति का नाम क्या है? अमरचंद बाठिया, अमरचंद्र बाठिया। धीरे धीरे हम राजस्थान की तरफ एंट्री मार रहे हैं दोस्तों, राजस्थान डायरेक्ट थोड़ी पहुंच जाएंगे। आर्थिक सहायता दी है अमरचंद्र बाठिया ने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को। आर्थिक सहायता दे दी अमरचंद बाठिया ने। अमरचंद बाठिया कौन है? कौन था? अमरचंद बाठिया कौन था? मूलतः निवासी था कहां का? अंग्रेजों ने फांसी दे दी। यह फांसी दे दी किसने? फांसी दे दी किसने वो भी अपन देख लेते हैं। ये आगे देख लेते हैं, फांसी दे दी कौन था? मूलतः निवासी, फांसी दे दी। अच्छा तो मूलतः निवासी था, फांसी दे दी, ठीक है। अमरचंद बाठिया उपनाम,
ये देखिए, ग्वालियर नगर का सेठ था अमरचंद बाठिया, ग्वालियर नगर का सेठ था अमरचंद बाठिया, तात्कालिक ग्वालियर नगर का सेठ था। समझना दोस्तों, पहली बात की लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मुलाकात ग्वालियर में हुई है। इनको क्रांति के लिए पैसा चाहिए था, क्योंकि क्रांति बिना गोले बारूद और हथियारों के नहीं हो सकती, और हथियारों के लिए क्या चाहिए? पैसा। और इनको पैसा अवेलेबल करवाया किसने? तात्या टोपे ने, सॉरी अमरचंद बाठिया ने। पूछा जाता है कि अमरचंद बाठिया कौन था, तो ग्वालियर नगर का सेठ था। मूलतः कहां का निवासी था, यही सबसे बड़ी बात है, बीकानेर राजस्थान का। मूलतः कहां का निवासी था, बीकानेर राजस्थान का, बीकानेर राजस्थान का निवासी था। मूलतः कहां का निवासी था दोस्तों? बीकानेर राजस्थान का। इसको पेड़ से लटकाकर अंग्रेजों ने फांसी दे दी। पेड़ से लटकाकर अंग्रेजों ने क्या दे दी? फांसी दे दी। पेड़ से लटकाकर अंग्रेजों ने फांसी दे दी किसको? अमरचंद बाठिया को। उपनाम, राजस्थान का 1857 का प्रथम शहीद, प्रथम शहीद। राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे। अठारह सो सत्तावन की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह। लक्ष्मीबाई की मुलाकात तात्या टोपे से हुई है, और तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है, और लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की है अमरचंद बाठिया ने। किसने की है? अमरचंद बाठिया ने की है। अमरचंद बाठिया कौन था? ग्वालियर नगर का सेठ था, ग्वालियर नगर का सेठ था। मूलतः निवासी था बीकानेर का। मूलतः कहां का निवासी था दोस्तों? बीकानेर का। फांसी दे दी अंग्रेजों ने पेड़ से लटकाकर। क्यों? क्योंकि इसने क्रांतिकारियों की क्या की थी? मदद की थी। तीन प्रमुख उपनाम है राजस्थान का 1857 का। दोस्तों 1857 का प्रथम शहीद, राजस्थान का मंगल पांडे, और 1857 की क्रांति का भामाशाह। 1857 की क्रांति का भामाशाह, अर्थात क्रांति ने राजस्थान में एंट्री मार ली थी, और राजस्थान का प्रथम शहीद हो गया था अमरचंद बाठिया। बीकानेर के लोग भी समझने लगे। अब ये बात मंगल ये तात्या टोपे को पता चली, यार राजस्थान वाले इतने बढ़िया होते हैं, तो तात्या टोपे अब कहाँ चला गया? राजस्थान चला गया। और राजस्थान की भीलवाड़ा में सर्वप्रथम गया कौन? तात्या टोपे। अब राजस्थान में क्या करेगा? क्रांति करेगा। नोट, अठारह सो सत्तावन की क्रांति के समय के समय शहीद होने वाला सबसे कम उम्र का
का व्यक्ति कौन था दोस्तों? हेमू कलानी। हेमू कलानी, इसको टोंक में फांसी दी गई थी। कौन था? हेमू कलानी था। कौन था दोस्तों? हेमू कलानी। 1857 की क्रांति के समय शहीद होने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था? हेमू कलानी था, जिसको टोंक में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की तरफ अब रुख करते हैं। दोस्तों तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा आया। इससे पहले कुछ बातें और कर लेते हैं। AGG पद का सृजन किया गया। एजीजी पद का क्या किया गया? सृजन किया गया। याद रखना, 1832 ईस्वी में एजीजी पद का क्या किया गया? सृजन किया गया। अर्थात, और दोस्तों याद रखना, अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल उसको सूचनाएं देने वाला होता है वर्तमान में, वैसे ही गवर्नर जनरल को सूचनाएं देता है या गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व करता था एजीजी। उस समय एजीजी के हाथ में संपूर्ण शक्तियां होती थी। एजीजी का पद सृजित किया गया और 1832 में यह एजीजी मुख्यालय बनाया गया। और एजीजी मुख्यालय बनाया गया कहां पर बनाया गया? एजीजी मुख्यालय बनाया गया अजमेर में। यही मुख्यालय परिवर्तित होकर यही मुख्यालय स्थानांतरित होकर होकर स्थानांतरित होकर कहां पर गया? आबू कहां पर है? सिरोही में। और ये स्थानांतरित कब हुआ है? 1845 में। 1832 में एजीजी पद का सृजन हुआ और एजीजी मुख्यालय 1832 में अजमेर में बनाया गया। कहां पर बनाया गया? अजमेर में बनाया गया। और मुख्यालय स्थानांतरित होकर 1845 में आबू सिरोही में बनाया गया। कहां पर बनाया गया? आबू सिरोही में बनाया गया है। इसके बाद भी अपन बातें कर लें। 1832 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे दोस्तों।
1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इसके अलावा स्वतंत्रता के समय 1947 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? आर आर बर्नोट था। तो 1832 में एजीजी पद का सृजन किया गया, मुख्यालय बनाया गया अजमेर में। 1845 में स्थानांतरित होकर आबू सिरोही शिफ्ट कर दिया गया। 1832 में राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता मतलब 1947 के समय, राजस्थान का एजीजी आरआर बर्नोट को बनाया। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। तात्या टोपे की राजस्थान में एंट्री करवा देंगे, बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।